कंडेंस मिल्क बनाने के लिए 1 लीटर दूध ले लें और 1 कप शक्कर ले लें 100 ग्राम और उसे चलाते रहें। ये 1 कप शक्कर है 100 ग्राम मिक्स करें और उसे चलाते रहें 5 मिनट तक। इसे चलाते रहें, चलाते रहें इसे। चलाते रहें और दूध अच्छे से पका लें ताकि हमारी जो रेसिपी हो काफ़ी शानदार बने। चलाते रहें और हमें दूध पका लेना है। 5 मिनट तक इसे चलाते रहें और दूध को पका लें। इसे चलाते रहें, पका लें अच्छे से और इसे चलाते रहें ताकि हमारा जो दूध है वो पक जाएगा और पक के थोड़ा सा कम हो जाएगा। और हमारी आज की रेसिपी कंडेंस मिल्क रेसिपी। चलाते रहें इसे, पका लें। हम जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा इसे पकाएं ताकि हमारी जो रेसिपी है काफ़ी शानदार बने। दूध चलाते रहें इसे। थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लें और उसे ऐड करें और ऐड करने के बाद इसे चला लें। इसमें हमने थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड किया है और उसके बाद हमने इसे चलाना है। और ये देखें, ये हमारा जो कलर है चेंज हो रहा है। इसे चलाते रहें। ये हमारी आज की रेसिपी थी कंडेंस मिल्क। ये चेंज होगा जो है, शक्ल बदल रही है गाइस, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें, ये हमारा कंडेंस मिल्क जो है बन के रेडी हो रहा है। ये देखें, चलाते रहें इसी तरह। चलाना है और ज़्यादा कूलिंग ना रखें और ज़्यादा तेज़ ना करें, इसे नॉर्मल रख के पकाना है हमें। ये देखें, ये हमारा चेंज हो रहा है कलर जो है। ये देखें, चलाते रहें इसी तरह। गैस ज़्यादा फास्ट ना करें, लो फ्लेम पे रख के पकाएं। ये देखें, ये चेंज होना चालू हो चुका है और ज़्यादा पकाना नहीं है इसे। इसे नॉर्मल तरीके से चलाते रहें और हमें इसे रेगुलरली कंटिन्यूटी हमें इसे चलाना है। लो फ्लेम पे रख के इसे पकाते रहें, चलाते रहें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये देखें, ये हमारा जो है बन के रेडी हो चुका है। इसे ज़्यादा ना पकाएं। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पक के ऑलरेडी रेडी हो चुका है और इसके बाद हमने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। और ये हमारी रेसिपी है आज की कंडेंस मिल्क, जो बन के तैयार हो चुकी है। थैंक यू।